पॉल्यूशन जो है वो क्लास 1 WHO कार्सिनोजन, मतलब वो कैंसर का कारक है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। अगर पब्लिक चाहती कि प्रदूषण नहीं होता तो बम पटाखे नहीं फोड़ते वो, आज उनके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं जिन्होंने बम पटाखे फोड़े। कल परसों पटाखे भी खूब चले हैं, प्रदूषण बहुत जरूर से ज्यादा। जब तक लोगों की चेतना नहीं जगेगी तो क्या ही सोल्यूशन मिलेगा ना, मतलब सोल्यूशन तो लोगों की चेतना से आएगा। अभी ठीक हुआ था बारिश से, फिर लोगों ने पटाखे जला के कर दिया बराबर। इस समय मैं दिल्ली के सिविक सेंटर पर हूं दोस्तों, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अपना प्यारा दिल्ली शहर, और दिल्ली शहर के ऊपर ये जहरीला स्मॉग का क्लाउड। यह स्मॉग का क्लाउड, पहले इसमें पराली का धुआं था, दिल्ली का वेहिकुलर पोल्यूशन था, रोड डस्ट था, लेकिन अब इसमें पटाखे से निकला हुआ जहरीला गैस भी शामिल हो गया है, और यह पूरे शहर पर एक गुंबद की तरह बसा हुआ है, और इस जहरीली हवा में हम सब सांस ले रहे हैं। इस बार का यह गुंबद किसी पराली से नहीं बना, किसी नेचुरल डिजास्टर से नहीं बना, बल्कि इसे बनाया है दिल्ली NCR के लोगों ने। ये तो पब्लिक का कसूर है साहब, अगर पब्लिक चाहेगी तो पोल्यूशन नहीं होगा, अगर पब्लिक चाहती कि प्रदूषण नहीं होता तो बम पटाखे नहीं फोड़ते वो, आज उनके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं जिन्होंने बम पटाखे फोड़े, फैमिली में सभी परेशान हैं। लेकिन इंसान का 2 मिनट का शौक होता है, लेकिन क्या है कि इसमें आम पब्लिक परेशान हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंप्लीट बैन के बावजूद दिल्ली NCR में दिवाली के दिन पटाखे फोड़े गए, और पटाखे किस तरह से फोड़े गए उसकी वानगी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह वीडियो नोएडा के एक सोसाइटी की है, लेकिन कमोबेश यही स्थिति दिल्ली की भी रही। दिल्ली में रात के 1 बजे तक दिवाली के दिन पटाखे छोड़े जाने की खबरें आती रहीं, आवाज़ें आती रहीं, मीडिया लगातार रिपोर्ट करता रहा, लेकिन पटाखों पर बैन को लागू करवाने में दिल्ली की सारी एजेंसियां नाकाम रहीं। दिल्ली पुलिस को मिलाकर जो लोग पटाखे फोड़ रहे थे उनके बीच का कॉमन सेंटिमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दिन पटाखे पर बैन लगाकर उनके धर्म पर हमला किया है, इसलिए वह पटाखे फोड़कर सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा था कि पटाखे ना जलाएं, ना फोड़े, उससे एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, उसके बावजूद आप लोगों ने पटाखे फोड़े। क्यों नहीं फोड़ेंगे, खूब फोड़ेंगे भैया, त्यौहार है, त्यौहार नहीं मनाएंगे क्या? आप सख्ती से, यही सख्ती आप ईद पे क्यों नहीं दिखाते हो, यही सख्ती आप क्रिसमस पे क्यों नहीं दिखाते हो, यही सख्ती आप मतलब 1 जनवरी पे क्यों नहीं दिखाते हो, यही सख्ती हिंदुओं के त्यौहारों पे दिखाते हो? केवल हिंदू ही रह गया है सारे सख्ती तुम्हारी देखने के लिए? मुद्दा वही है, मुद्दा हिंदुइज्म का ही है, मुद्दा धर्म का ही है, ये पोल्यूशन और हिंदुइज्म है सर, सब जुड़े हैं इसे। अभी ये धुआं अगर कोई और दूसरी कौम कर रही होती ना तो कोई ज्ञान बांटने नहीं आता, यही धुआं, और यही इसमें भी धर्म है। 1 जनवरी को यही धुआं बता दूंगा, कोई कहने नहीं आएगा। 25 दिसंबर को यही धुआं बता दूंगा मैं, कोई कहने नहीं आएगा। धुएं का भी धर्म बता दे रहे हैं, धुएं का भी धर्म है इस देश में। 12 नवंबर यानी दिवाली से 3 दिन पहले तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कंडीशन में था, और लोगों को बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, लेकिन बीच में बारिश हुई और दिल्ली की हवा में सुधार हुआ। बारिश का नतीजा ये हुआ कि 10 नवंबर को दिल्ली का AQI इंडेक्स 279 हो गया, अगले दिन और सुधार हुआ और 11 नवंबर को दिल्ली का AQI इंडेक्स 220 हो गया, 12 नवंबर को और सुधार हुआ और दिल्ली का AQI इंडेक्स 218 हो गया, लेकिन दिवाली के दिन फिर पटाखे फोड़े गए और अगले दिन यानी 13 नवंबर को दिल्ली का ओवरऑल AQI इंडेक्स 358 पहुंच गया, बेहद ख़राब स्थिति में पहुंच गया। उसके बाद शाम के 13 नवंबर में ही रात के 10 बजे तक दिल्ली का AQI 403 पर पहुंच गया, यानी कि फिर से सीवियर कंडीशन में पहुंच गया, और इसका लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर होना शुरू हो गया। पहले आंखों में जलन और ये सब नहीं थे, अभी जो सल्फाइड वल्फाइड निकला ना पटाखों के उससे उसमें ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो तो बारिश से क्लियर आउट हो गया था, वो भी थोड़ा सा धुआं वैसा था चोकिंग वाला, अभी थोड़ा ज़्यादा ही केमिकल वाला धुआं ना, तो ज़्यादा ही अनोइंग है। फील्ड वर्क का काम है मेरा, अधिकतर मैं भारी रहता हूँ, तो खुद मेरा मतलब शाम को जैसे हम रुमाल बात की जाते हैं तो रुमाल तो काला जाता है, रुमाल भी पूरा काला होता है और गले में पूरी खास होती है और आँखों में जलन आ जाती है। अब तो आँखों में जलन, सांस फूलना, अगर तेज़ रनिंग करेंगे
तो सांस इतना फूलता है कि मन नहीं करता कि भाग लें, बड़े आराम आराम से चलने। अब जाके आंखों पे छींटा मारेंगे, फिर कहीं जाके घर चाय पानी पियेंगे। प्रदूषण का बहुत बुरा हाल है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हम गार्डन में घूमने के आदि हैं तो हमें फील नहीं हो रहा, लेकिन जरूर से ज़्यादा होता है ये। आज 13 नवंबर है, यानी कि दिवाली का अगला दिन, और इस वक्त मैं अशोका रोड पर हूँ, और अशोका रोड पर मेरे पीछे आप ये धुआं साफ देख सकते हैं। ये धुंध नहीं, ये धुआं है, और इस धुएं को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अगर यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स मैं बताऊँ तो यहाँ के नज़दीकी 5-6 जो एयर क्वालिटी मेजरमेंट के स्टेशन हैं उनके हिसाब से अगर मैं इस टाइम का रियल टाइम आपको स्टेटस बताऊँ AQI का, तो मेजर ध्यानचंद से यहाँ का AQI 247 है, ITO पर 371 है, लोधी रोड पर 335 है, मंदिर मार्ग पर 342 है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर 349 है, नेहरू नगर का 321 है। तो अगर मेजर ध्यानचंद को छोड़ दिया जाए जो कि 247 है, बाकी सब 300 से ऊपर है, यानी कि खराब स्थिति में यहाँ की हवा है। एयर पोल्यूशन की वजह से बीमार पड़ रहे लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक स्पेशल OPD बनाई गई है, जिसका नाम रखा गया है पोल्यूशन OPD। और इस OPD में 5 अलग अलग विभागों के डॉक्टर बैठेंगे जो पोल्यूशन से बीमार हो रहे लोगों का इलाज करेंगे। इसके अलावा यह OPD दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर को खोला गया है, और यह वीकली चलेगा 2 से 4। और इसके साथ ही यहाँ के जो डॉक्टर हैं और उनसे भी हमने बात की, और यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी हमने बात की। उन्होंने हमें बताया कि चूंकि अक्टूबर नवंबर में लगभग 30% इजाफा होता है पोल्यूशन रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उसमें और उसके पेशेंट में, इसलिए यह स्पेशल OPD बनाया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स। हर साल नवंबर और दिसंबर के मंथ्स में पोल्यूशन दिल्ली और आसपास के एरियाज में पीक करता है, तो जब भी ये पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है तो ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स में वृद्धि आती है, नंबर ऑफ पेशेंट्स में जिनको कि इस टाइप की खांसी और सांस उखड़ना इस सब की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए एक अलग से OPD की ज़रूरत थी, और प्लस ये जो पोल्यूशन है ये केवल एक डिपार्टमेंट या बॉडी के एक हिस्से को नहीं अफेक्ट करता है, केवल लंग्स को नहीं अफेक्ट करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, तो इसलिए एक मल्टी डिपार्टमेंटल OPD स्टार्ट करने की ज़रूरत थी। इस OPD में मल्टीपर्पज़ है ये, क्योंकि इसमें जब मरीज़ आएंगे तो हम उनको एजुकेट भी करेंगे कि किस तरह से पोल्यूशन उनको प्रभावित करता है, वो क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं उससे बचने के लिए, और क्या क्या लक्षण उनमें देखने को मिल सकते हैं। तो फोकस तो सबसे ज़्यादा लंग्स पे ही है, तो पल्मोनरी मेडिसिन जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो तो है ही इसमें, एंड इनके अलावा जो है ENT के डॉक्टर्स होंगे, आई के डॉक्टर्स होंगे, स्किन के डॉक्टर्स होंगे, और कुछ अगर लगता है कि कुछ माइंड से रिलेटेड है तो उनको हम हमारे पास साइकियाट्रिस्ट जो बैठे हैं उनके पास भेजा जाएगा। पटाखे वाला है और जो पहले पराली जाता, तो ये पटाखे वाला कुछ अलग तरह का फील हो रहा है ये? हाँ, ये पटाखे वाला ये है कि इसमें हम जो है सांस लेते हैं ना तो गला पकड़ता है, ये पराली का धुआं इतना गला नहीं पकड़ता वो, तो हम तो यही कहेंगे कि पटाखों का ही धुआं है ये। दिवाली के दूसरे दिन यानी 14 नवंबर को भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रहा, जो कि सीवियर के बिल्कुल पास है, सिर्फ 3 पॉइंट कम है। वहीं दिल्ली पुलिस ने पटाखा छोड़ने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वह बेहद निराशाजनक है। दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में पटाखा छोड़ने वालों के खिलाफ सिर्फ 123 FIR दर्ज किया है। उनमें से भी दिल्ली के 5 पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें 0 FIR दर्ज हुई है, यानी कि कोई FIR ही नहीं दर्ज हुई। रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट, आउटर नॉर्थ और नई दिल्ली, ये 5 पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसी ने पटाखे छोड़े ही नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है तो फिर इन जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे खराब हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर इसी तरह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता रहा और हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती रही और यह आंकड़ा 450 के पार पहुँचता है तो दिल्ली में ऑड इवेन भी लागू किया जा सकता है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली।
पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।